धृतराष्ट्र के वो 8 पाप जिसके कारण हुई जलकर मृत्यु। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत से पात्रों का समावेश है और ये सभी पात्र एक नहीं बल्कि कई ऐसे घटनाक्रमों का हिस्सा रहे हैं जो बहुचर्चित या द्वंद्वों से परिपूर्ण थे। इन्हीं पात्रों में से एक पात्र धृतराष्ट्र हैं। जी हाँ, वही धृतराष्ट्र जिनका जन्म, मृत्यु और उस बीच जीवन काल सभी रहस्यों से भरे हुए थे। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे आज की इस खास वीडियो में। वास्तव में ये रहस्य जुड़ा है धृतराष्ट्र के उन पापों से जिसके कारण धृतराष्ट्र की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। वैसे तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई ऐसे पाप किए थे जो कि निंदनीय थे, परंतु आज हम बात करेंगे विशेषता उन 8 पापों की जो सर्वोपरि थे और जो धृतराष्ट्र की मौत का कारण बने। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द डिवाइन टेल्स पर। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे। वैसे धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना और इस प्रकार उनकी मृत्यु का हो जाना बहुत विचित्र सा प्रतीत होता है। वास्तव में इन दोनों ही घटनाक्रमों के पीछे धृतराष्ट्र के ही ऐसे कृत्य रहे होंगे जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके जन्म से जुड़ी गुत्थी को यदि आप सुलझाना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। और अब बात करें दूसरी गुत्थी की जो धृतराष्ट्र की मृत्यु से जुड़ी है, तो इसके लिए हमें धृतराष्ट्र के उन कृत्यों के बारे में जानना होगा जिसके चलते धृतराष्ट्र की आग में जलकर मृत्यु हो गई। ये कृत्य कुछ इस प्रकार थे कि इन कृत्यों को पाप कहना गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं उन 8 पापों में से पहले उस पाप के बारे में जो धृतराष्ट्र की मृत्यु की ओर पहला कदम था। नंबर 1, गांधारी के साथ धोखा। जब भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया, तब गांधारी को जब ये पता चला कि मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं है, वो एक अंधा है, तब पत्नी का धर्म निभाते हुए उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ही ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए और फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। नंबर 2, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह किसी कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। वास्तव में यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया था कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह छोटा पुत्र और कोई नहीं बल्कि शकुनी था। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। नंबर 3, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशला था। कहा जाता है जब वे गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। यदि आप युत्सु से जुड़ी और बातों को जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 4, पुत्र के मोह में करवाया युद्ध।
पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। नंबर 5, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया था जिसमें सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। नंबर 6, अधर्म का साथ दिया। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते। अधर्म का साथ देने वाला एक अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। नंबर 7, भीम को मारने की इच्छा। उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले मिले। बाद में भीम की बारी आई, तब धृतराष्ट्र के व्यवहार को देख भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ नहीं पाए कि यह भीम नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित हैं, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। नंबर 8, पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के हुए थे। मृत्यु। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए।
लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग जाती है। यह देख गांधारी, कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास भागते हुए आते हैं और धृतराष्ट्र से उनके सही होने का पूछते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते और वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिस कारण गांधारी और कुंती भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाने का निर्णय लेती हैं और धृतराष्ट्र के साथ वहीं रुक जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलसकर मर गए। हिमालय पर्वत पर पहुंच संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर तक यह दुखद समाचार पहुंचाते हैं। सूचना पाते ही युधिष्ठिर वहां जाकर उन सभी की आत्मशांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत हुआ। मित्रों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे छिपे इन 8 पापों पर आधारित ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।